हेलो गाइस, आपका इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है कि अपने फेस को स्मूथ कैसे किया जाए और उसमें ग्लो कैसे लाए। मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया। और दोस्तों, हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मैं ऐसे लेटेस्ट टॉपिक ले लाते रहूँ। और दोस्तों, मैंने इसमें कितने भी ऐप यूज़ किया उसकी सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको पहले क्या करना है, स्नैपसीड ऐप ओपन कर लेना है। तो यहाँ से मैं स्नैपसीड ऐप ओपन कर लेता हूँ। स्नैपसीड ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। तो आपको प्लस के आइकन पर क्लिक करके अपने इमेज ऐड कर लेने। तो यहाँ से कर लेता हूँ। तो हमने पिक ले ली। अब पिक में हमें थोड़ा बहुत कंट्रास्ट को थोड़ा हाई करना पड़ेगा और ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, तो टूल्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और टून इमेज, जो आपको बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे मगर आपको इसका यूज़ नहीं करना है। प्ले स्टोर में इसका ही हम यूज़ करेंगे, टून इमेज का। उसके बाद फिर और बहुत सारे फीचर्स आते हैं मगर आपको इसका नहीं करना है। सिर्फ ब्राइटनेस को स्टार्टिंग में थोड़ा सा बढ़ाना है और इसके कंट्रास्ट को थोड़ा तेज करना है, ब्राइटनेस को थोड़ा सा फिर कम करें। उसके बाद फिर सैचुरेशन को थोड़ा अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, इसको भी हम थोड़ा लगा देंगे। हाईलाइट को भी थोड़ा बढ़ा सकते हो, हेयर के लिए थोड़ा बेस्ट रहता है, तो इसको भी थोड़ा बढ़ा देते हैं। शेडो को इसको हम माइनस में कर लेते हैं कुछ इस तरह से। इतना हो जाने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इसके बाद आपको राइट हैंड साइड पर टैप करना है। पहले हमारी पिक कुछ इस तरह से, उसके बाद थोड़ा सा रिटच करने के बाद कुछ इस तरह से हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, टूल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपको रोटेट करना है। यहाँ पर ग्लो वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे दिखेंगे, 5 इफेक्ट दिखेंगे जो हमारे फेस को भी स्मूथ टाइप करते हैं मगर प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं। मगर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं फर्स्ट वाला ही क्लिक कर रखूँगा कि थोड़ा इफेक्ट ग्लो थोड़ा आ जाए अपने पिक पे। उसके बाद आपको राइट के साइड पर टैप कर देना है। टैप करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट ऐप का यूज़ करना पड़ेगा, जो इस ऐप का नाम है ऑटो डिस्क स्केच बुक है, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट वाले पर क्लिक करना है और शेयर वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आ चुका है, मैं इस पर टैप कर दूंगा। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद सिर्फ हमको स्किन को स्मूथ करना है, सिर्फ इसी का यूज़ करना है। और उसके बाद आपको ऊपर से थोड़े से टूल्स दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर तीसरे नंबर वाले पे क्लिक करना है। और इसके बाद फिर आपको बहुत सारे यहाँ पर पेंसिल ब्रश सब दिख जाएंगे, ये देख सकते हो, मगर आपको इसका यूज़ नहीं करना है। पहले ऑलरेडी मैंने पहले से सिलेक्ट कर रखा है ये वाला, तो आपको इसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर सेटिंग ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपने जो फ्लॉक हमें रहा है तो मैं इसको भी 1% कर लेता हूँ। उसके बाद आपको साइज को, फ्लॉक को, जो भी मैंने सेटिंग कर रखी थी पहले, आपको इसी तरह की सेटिंग करना है। उसके बाद साइड में टैप कर देता हूँ। उसके बाद फिर अपनी जो पीक है, फेस को जो आपको स्किन दिख रही है, सिर्फ इस पर ही आपको करना है, ऑलरेडी दूसरे पर आपको नहीं ले जाना है। जैसे कि मैं इस पर ले जाता हूँ तो ये कुछ अलग टाइप का दिखता है और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस टाइप से हो जाता है। तो आपको इस पे सिर पे नहीं देना है, आपको सिर्फ स्किन पे करना है। उसको रिटर्न लाने के लिए मैं इस पे क्लिक करूँगा और इस तरह से मैं कर दूँगा। फिर हम स्टार्ट करते हैं पूरे फेस को, इस तरह से मैं कर देता हूँ। सिर्फ स्किन पे ही आपको इस तरह से करना है दोस्तों। तो आप देख सकते हो हमने पूरी तरीके से इसमें हमने कर चुके हैं। तो आपको कुछ इस तरह से कर देना है। तो अभी ग्लो आपको दिखेगा मगर आपको एक थोड़ा सा रिटच करना पड़ेगा एक और। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, जो आपको यहाँ वाला एरो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शेयर वाला ऑप्शन दिख रहा है, शेयर वाले पर क्लिक करना है और अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लाइट रूम एड में आपको एड हो जाना है, तो मैं यहाँ से ऐड हो जाता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर आ चुके, पिक को ले लेंगे, ऐड कर लेंगे यहाँ से। ऐड करने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे मगर आपको कुछ नहीं करना है। आपको यहाँ पर कलर वाला ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। और फिर उसके बाद आपको मिक्स वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, मिक्स वाले पर क्लिक करना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे कलर दिख जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेकेंड वाले ऑरेंज वाला जो दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है और इसको थोड़ा सा प्लस कर लेना, थोड़ा सा इस टाइप से, इसको थोड़ा सा माइनस चलेगा थोड़ा। ये सिर्फ फेस के लिए ही दोस्तों, है ना, ध्यान रखिए इसका। इस मैं इसको थोड़ा सा माइनस कर देता हूँ कुछ इस तरह से, इसको प्लस कर देता हूँ। हमारे पिक कुछ पहले इस तरह से थी, फिर देख सकते हो अपने पिक पे ग्लो आ चुका है। और उसके बाद आपको सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे क्लिक करना है, फिर इसी को भी हम कुछ इस तरह से कर देते हैं, कुछ इस तरह से ये देख सकते हो। आपको अपने जो मैं जो जो इसमें इफेक्ट देख रहा हूँ आप इसकी लिख सकते हो 16-6, 37, 42, इस तरह से आप लिख सकते हो। और फिर मैं ग्रीन वाले क्लिक करता हूँ, उसके बाद आपको इसको थोड़ा सा माइनस कर देना है, फिर सिचुएशन को भी थोड़ा सा कर लेते हैं माइनस, और इसको भी कर लेते हैं माइनस। बस बाकी आपको कोई सा भी इफेक्ट इसमें नहीं लगाना है, उसके बाद आपको कर देना है डन। अब तो आप देख सकते हो अपने पिक में थोड़ा ग्लो आ चुका है, कुछ इस तरह से पिक थी, उसके बाद हमें रिटच करा तो कुछ इस तरह से हो चुकी है। अब इतना हो जाने के बाद आपको एक नेक्स्ट ऐप में जाना है, इस किसके लिए, आपके जो आईज है इसके लिए, और अपने हेयर स्टाइल में कुछ इफेक्ट डालने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और शेयर टू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर पिक साइड पर हम चले जाएंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पिक्सार्ट ऐप में आ चुके हैं। पिक्सार्ट ऐप में आने के बाद आपको आइस जो दिख रही है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ, उसकी लिंक दिए दोस्तों, आपको डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं ऐड फोटो से ले लेता हूँ, तो दोस्तों ले ले। अब मैं इसको जूम करके मैं प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ, कुछ इस तरह से थोड़ी साइज को कर देना है कम, और पहले इसकी ओपेसिटी कर देनी थोड़ी सी हल्की कि दिख गया हमें बेक वाली, इस तरह से लगा देना। इतना करने के बाद आपको रेजर पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपको ये जो बाहर जा रही है उसको कुछ इस तरह से कर देना। इतना करने के बाद आपको राइट साइड पर टैप करना है, टैप करने के बाद फिर इसकी जो ओपेसिटी है थोड़ी बढ़ा देनी है इस तरह से। तो ये जो से हमारा हाथ लग चुका था तो देख सकते हैं, क्लिक कर लेते हैं। ये हो जाने के बाद इसकी को डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ से क्लिक करके डुप्लीकेट, डुप्लीकेट करने के बाद हमारे जो सेकंड है इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरह से। तो देखिए हमारे आईज भी पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से हो चुकी है। अब इसको हम राइट हैंड साइड पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद आप हमारे जो आते हैं ऑयल पेंट जो कि हम इस पर बताएंगे, तो आपको इफेक्ट वाले पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको ये बहुत सारे दिख जाएंगे, मगर आपको कुछ नहीं करना है। जो आर्टिक्स जो ऑप्शन दिख रहा है इसके सेकंड नंबर पे ऑयल पेंट जो ऑप्शन आ रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, मगर आपको नहीं करना है इसका, आपको अमाउंट भी जाना है और इसकी साइज़ को थोड़ी कम कर देना, इतनी देख सकते हो। इतनी करने के बाद आपको ये रेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसको इस तरह से कर देना है, उसके बाद फिर आपको इस तरह से अपने हेयर पे कुछ इस तरह से इधर यहाँ से भी आप कर सकते हो, आईज को भी थोड़ा कर सकते हो कुछ इफेक्टिव दिखे। तो देख सकते हो राइट साइड पे क्लिक कर देता हूँ, फिर एक बार फिर क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हो दोस्तों हमारी पिक पूरी तरीके से हो चुकी है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ भी इसमें नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टॉप पर लाते रहता हूँ, इसके रिलेटेड मेरे वीडियो पर वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।